तो गाइस आज है खाने में फ्राइड राइस। वैसे लगता है मैंने हल्दी कुछ ज़्यादा ही डाल दी है। रात का चावल बच गया था तो मैंने उसको फ्राई कर दिया और ये बहुत टेस्टी लग रहा है। नहीं आया हुआ है। मैं ईटा में घुसा हुआ है, कौन सा ईटा में घुस गया? उसी उसी कितना बड़ा है? है, फिर भी इतना बड़ा है, एक हाथ का। एक हाथ का बिडगो ही आया हुआ है, दिख ही नहीं रहा है। भागो तुम, उधर बड़ा वाला छिपकली गया हुआ है। दौड़ाइए दौड़ाइए, उसको घुस जाएगा तो फिर दिक्कत है। सो हेलो एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। एक और नए व्लॉग में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग बताना कल का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मेरा सब्जी वाला व्लॉग। मैंने उसको करते हुए बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। हाँ थोड़ा छोटा था बट मेरे को बहुत मज़ा आया था, आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को। और कल रात का चावल बच गया था तो मैंने उसका बना दिया फ्राइड राइस। इसमें प्याज लगा हुआ है, टमाटर डाला मैंने, और मैं वेस्ट नहीं करता खाने को, फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, और ये मेरी सुबह की चाय। पता है गाइस, गर्मी की वजह से ना, गर्मी गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ता है क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मेरा आवाज़ क्लियर नहीं आता है, तो उस वजह से। और आज हमारे बाउंड्री में वो बड़ा वाला छिपकली हो, क्या बोलते हैं, बिडगोई बिडगोई मॉन्स्टर लिजर्ड, वो घुस गया था तो वही देखने गया था मैं। और ये उधर घूमते रहती है ना, मैं सोचा कि पता नहीं, इससे थोड़ा डर लगता है, उधर जंगल जंगल हो गया पीछे साइड में। तो देखता हूँ आज का कोई प्लान वैसे मैं नहीं किया हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना। मार्केट को जाना हो सकता है, जा सकता हूँ मार्केट को। तो आज जो भी होगा ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। तो तब तक के लिए मैं कर लेता अपना ब्रेकफास्ट और फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे ब्लॉग में। और आप लोग कमेंट किया करो कि कैसा लगता है मेरा मेरा ब्लॉग आप लोगों को। चलो फिर आगे आगे दिखाते हैं, तब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेता। बाय। ए रुक जाओ, आज ओरियो के खाने में है बॉइल्ड आलू एग, और इसको देखो। ए रुक जाओ, अभी नहीं, अभी जब मैं बोलूँ तब खाना है, ठीक है? जब बोलूँ तब खाना है, चलो। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं अभी निकला हूँ घर से बाहर क्योंकि मुझे एटीएम जाना था। आज घर का काम इतना ज़्यादा था कि मैं मतलब निकल नहीं पाया घर से बाहर, तो फिर सोचा कि चलो अभी जाता हूँ, काम वाम ख़त्म कर लेता हूँ और कुछ कुछ कर लेता हूँ, कुछ कुछ ले भी लेता हूँ। तो मैंने अपना जिस तरह मैंने अपना झोला पकड़ लिया पहले की तरह, और मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ पहाड़ की साइड, तो आप लोग को दिखाऊंगा उधर का थोड़ा सा नज़ारा भी। तो चलो चलते हैं साथ में। और गाइस ये है यहाँ का जेल, मंडलकारा साहिबगंज प्रखंड। ये काफ़ी बड़ा जेल है, मतलब जब छोटा छोटा था ना हम लोग, तो पापा लेके गए जाते थे अंदर, बट अभी तो अलाउ नहीं है घुसना, वरना मैं आप लोगों को दिखा देता। तो काफ़ी बड़ा जेल है ये, और सब लोग ऐसे शाम में इधर घूमने को निकलते हैं, अच्छा रहता है इधर। ये देखो यहाँ का पुलिस वाले लोग, ये इधर का कोर्ट है, यहाँ से कोर्ट जाते हैं हम लोग। एक मेन एंट्रेंस, मतलब आगे से भी एक मेन एंट्रेंस, बट अभी शायद दिए वाला एंट्रेंस बना दिया है। तो अंधेरा होने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अगर 7 बज गए तो फिर कुछ नहीं दिखा पाऊँगा, इसलिए सोच रहा हूँ कि चलो इवनिंग वॉक भी हो जा रहा मेरा और मैं आप लोगों को इधर का थोड़ा घुमा भी दूँ आप लोगों को। तो आज आधा घुमाऊँगा, फिर नेक्स्ट डे पूरा घुमाऊँगा आप लोगों को, ठीक है? तो गाइस मेरे पीछे देखो, ये है व्यवहार न्यायालय, ठीक है? शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, व्यवहार न्यायालय शायद कोर्ट को ही बोलते हैं। तो आपको यहाँ भी एक बोर्ड दिख रहा होगा मेरे पीछे, तो देखो ये वाला मेन एंट्रेंस है यहाँ का, और इधर पे बना हुआ है छोटा सा पार्क जहाँ पे कुछ कुछ लोग बैठे हुए हैं। सो दिस इज समाहरणालय साहेबगंज, ये शायद मैंने पहले दिखाया है आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को याद होगा। और इधर से जाते हैं लक्की लोग का घर, ये रास्ता।
तो गाइज आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये सब है मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग का गेस्ट हाउस। आई थिंक आप लोग क्लियरली नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो देखो मेरे पीछे दिख रहा होगा, वॉल्स में पेंटिंग्स बने हुए हैं। ये देखो अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, एकदम बिल्कुल पहाड़ के पास से ही है। तो कभी कभी मैं छत से आप लोगों को दिखाया करता था ना, तो ये इधर ही है, पहाड़ के पास ही है ये सब। अब देखो मैं पहाड़ के बिल्कुल करीब हूँ, मतलब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ ना तो मैं पहाड़ पहुँच जाऊँगा, मैं चढ़ जाऊँगा। बट मुझे एटीएम जाना है जो कि यहाँ पे, और इसके पीछे हवा महल हुआ करता था जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से। तो चलो मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब वहाँ पे पुलिस लोग का कुछ बन गया है, जैप नाइन बन गया है, जैप नाइन मतलब जैप वाले पुलिस लोग का। तो देखो कितना पास इधर से पहाड़। सो गाइज लुक एट दिस प्लेस, सो ब्यूटिफुल, मतलब पहाड़ के किनारे पे मत सा बना हुआ इधर पे पुलिस लोग का, आगे में स्वागतम लिखा हुआ। यहाँ पर एक मंदिर है तो पूजा वूजा करते हैं यहाँ पे सब लोग। यहाँ पे एक एटीएम है, तो मुझे एटीएम में काम है फिलहाल, और यहाँ पर भी एक छोटा सा पूजा करने के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड सस्तस, आई डोंट नो, मेरे को मेरी हिंदी थोड़ा ख़राब है, पुलिस नाइन साहेबगंज। तो ये देखो बिल्कुल पहाड़ के पास मंदिर, बहुत खूबसूरत है यहाँ का, बहुत अच्छा। कृपा शंकर पहाड़ी बाबा, सही। अंदर तो घुसने मिलेगा नहीं इसलिए जाऊंगा नहीं। सो सीरियसली आई एम टेलिंग यू, यू विल बी इन लव विद दिस प्लेस सीरियसली। ये इतना अच्छा, अगर मुझे परमिशन अगर मुझे मिलता, मतलब मिल जाता ऐसा जाने के लिए तो अलाउड है, तो आप जा सकते हो। बट अभी तो काफ़ी शाम हो गया है, तो मैं मेरे ख्याल से मेरे को अंदर घुसने को नहीं दिया जाएगा अभी। पर अगर मैं किसी दिन सुबह आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का अंदर घुस कर दिखाने की, और जो भी चीज़ें आप लोगों को शो करूँगा इधर पर। चलो मिलते हैं फिर, अंधेरा हो रहा है। हेलो, डोंट रन, हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। हेलो, कैसे हो, कैसे हो, तुम्हें क्या हो गया, तुमने कुछ खाया? हेलो, तुम्हारा दोस्त तो भाग गया, अरे तुम भी आओ। चलो मैं जा रहा, बाय, ख्याल रखना। सो बेसिकली लोग इधर इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, और इतना अच्छा मतलब नज़ारा रहे और इतना अच्छा जगह रहे तो आदमी क्यों ना जाए। मतलब देखो पेंटिंग्स, टोटो वाले जा रहे हैं और अंधेरा हो गया है, मौसम देख लो कैसा है, मैं वॉक कर रहा। सो गाइस इस जगह की भी कहानी है, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना तो हम यहाँ पे साइकिल चलाना आया करते थे, मतलब यहाँ पर स्लोपिंग है ना, तो हम इस पे चढ़ाते थे ऊपर, और फिर हम वहाँ से मतलब स्पीड चला कर ससर कर आते थे। तो जो लोग साहेबगंज से होंगे वो लोग शायद रिलेट कर पा रहे होंगे इन चीज़ों को, कि मतलब यहाँ पे आए होंगे साइकिल वाइकिल चलाने के लिए जब छोटे होंगे। तो देखो टिक 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 कर रहा है, तो बताना गाइज साहेबगंज से जो लोग भी है यहाँ पर कौन कौन आते थे साइकिल चलाने के लिए। मैं थोड़ा सा घुस लेता हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा घुस कर देख ले रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा। और मैं टहलते हुए लक्की विली लोग के घर तरफ आ गया, मेरा इवनिंग वॉक कुछ ज़्यादा ही हो गया आज। विलियम क्या हाल चाल, कैसा है, बताओ कितने दिन बाद मिल रहे हैं? दो दिन बाद पूरे 2 दिन बाद मिल रहा हूँ, मतलब यहाँ आने के बाद ना। गिटार बजाने सीखा? बंद करो। हेलो, ओए इधर आओ, इसको देखो चलने लग गई पूरा अच्छे से, आ जाओ इधर, कम चार्ज में लगा, आ जाओ, चार्ज नहीं मेरा मोबाइल। और इधर हो चुका है ओरियो का चिकन बॉयल,
मैंने बना ली ओरियो प्ले रोटी और खुद के लिए थोड़ी सी चावल, और इधर अब मेरा बन रहा है चिकन, क्योंकि मैं मार्केट से चिकन लेकर आया था, मार्केट नहीं वो उधर स्टेडियम साइड से, मतलब लक्की के घर साइड से चिकन लेकर आया था, और ये बन रहा अभी। सो गाइज, लक्की के घर से आते आते मुझे बहुत लेट हो गया और मेरा फ़ोन का बैटरी लो हो गया था, वरना मैं उधर का भी लक्की लो का भी कुछ पार्ट दिखा सकता था। तो मुझे आते आते 8:30 हो गए थे, और फिर मैं घर आकर खाना बनाया और फिर ओरियो के लिए भी रोटी वोटी बनाना पड़ा, फिर खाते पीते बहुत लेट हो गया। तो अभी जाके मैं ये व्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो गाइज, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपना छोटा सा शहर क्यों दिखा रहा हूँ और मैं क्यों पहाड़ और ये सब दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज, आप लोग भी बड़े शहरों पर रहते होंगे और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह है, मॉल्स हैं, बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स हैं, गाड़ी घोड़ा, रेस्टोरेंट्स, कैफे, बट मैं इधर छोटा सा बड़ा हुआ। मैं अपने माँ बापा के साथ शाम में घूमने को जाया करता था। जैसे मैं आज इवनिंग वॉक पे निकला, ठीक है। तो मैं, मेरी यादें, मतलब कि मैं इस जगह पे बड़ा हुआ ना, मुझे इस जगह से बहुत ज़्यादा प्यार है। जो लोग छोटे शहरों से हैं ना, वो लोग मेरे से रिलेट कर सकते कि छोटे शहरों में कितना ज़्यादा सुकून है। बड़े शहरों पे नॉइज़ पॉल्यूशन, ऐसा खुला जगह आप लोगों को नहीं मिलेगा, कहीं जाकर आप बैठ सको, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सको, या फिर वॉक पे जा सको। कहीं जाना हो तो अपनी गाड़ी लेके जाओ, या कहीं जाना है ऑटो पकड़ के जाओ, ये करके जाओ, बट ऐसा खुला जगह नहीं मिलेगा। लोग यहाँ शाम में घूमने को जाते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे उठ के जाते हैं घूमने को। तो गाइस, मैं अपने शहर की सिर्फ सिंपलिसिटी दिखाने की कोशिश की, जो पीस है ना इधर पे, मैंने बस वो दिखाने की कोशिश की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ बड़े शहरों से। तो जो लोग मेरे जैसे जगह से हैं, वो लोग रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। और बहुत लोगों को शायद ये व्लॉग अच्छा नहीं भी लगा होगा, और बहुत लोगों को अच्छा लगा भी होगा जो लोग मेरे से छोटे शहरों से हैं। तो गाइज, आप लोग बताना ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा आप लोगों को, तो मुझे ढेर सारा प्यार दो, मुझे सपोर्ट करो। और डेली व्लॉग करना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आप सोचते हो पता है कि क्या करूँ, क्या दिखाऊँ जो लोगों को पसंद आए, तो ईजी नहीं होता है दिखाना। फिर भी मैं कोशिश करूँ हर दिन एक व्लॉग लाने की, और मुझे ढेर सारा प्यार दो, मेरे व्लॉग को ढेर सारा प्यार दो। कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है मेरे व्लॉग में, और जो लोग छोटे शहरों से, वो लोग कमेंट करो कि क्या आपका जगह भी ऐसा है, आप लोग मेरे से रिलेट कर पाते हो कि नहीं अपनी जगह को। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मुझे बताओ। मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय बाय। पीस है यहाँ, बहुत ज़्यादा पीस है, सीरियसली। देखो गया, गाड़ी घोड़िया बोल रहा है, गाड़ी घोड़ा। दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, बड़ी बड़ी बात।